हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में यार हम डिस्कस करने वाले हैं यार जो न्यू मैजिक क्यूब स्टोर आया है, मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यार जो न्यू अपडेट आने वाली है फ्री फायर मैक्स उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को यार स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो यार कि मैंने इससे पहले भी मैजिक क्यूब स्टोर पे बनाई थी वीडियो के यार न्यू बंडल्स आने वाले हैं इसमें। तो यार दो बंडल्स न्यू इसमें ऐड हो चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं स्टोर की तरफ, दिखाते हैं आपको बंडल्स कौन से वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे अब हम आ चुके हैं मैजिक क्यूब स्टोर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशन एलीट बंडल जो है ये मैजिक क्यूब स्टोर में आ चुका है। दो बंडल्स यहाँ पे आए हैं गाइस, एक ये मेल और फीमेल दोनों कॉस्ट्यूम बंडल यहाँ पे आपको स्टोर में देखने को मिल सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलीट कंटीजेंसी बंडल और गाइस नीचे जो ऑपरेशन एलीट बंडल था वो भी यहाँ पे आ चुका है, वो सब सेंड में आया गाइस। तो यार मुझे इतना मतलब अच्छा नहीं लगा ये बंडल, लेकिन मेल कॉस्ट्यूम बंडल जो है गाइज उसका मतलब हेयर मुझे काफ़ी पसंद आया गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेल वाला कॉस्ट्यूम पैक ये वाला जो है मतलब स्टोर में अपडेट हुआ है गाइज। तो मतलब मैंने पहले वीडियो बनाई थी यार कि इसमें मतलब जो है मजीद बंडल्स आने वाले हैं। तो यार अभी सिर्फ दो ही बंडल्स अपडेट हुए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों तक जो है आपको न्यू बंडल्स भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है गाइज कि नेक्स्ट वीक अगेन जो है मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट हो, या फिर जो है आपको न्यू इवेंट मैजिक शॉप जिसका मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उस पर मतलब जो है आपको देखने को मिले। तो गाइज मतलब काफ़ी सारे बंडल उसमें आने वाले हैं, आपको मैं एक रिव्यू करा देता हूँ उसका। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज ये वाले बंडल जो है मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी यार, आप देख सकते हो ये सारे बंडल जो है एक इस इवेंट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है यार कि मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट हो जाए, या हो सकता है कि ये वाला इवेंट भी आ जाए। वैसे क्यूब का स्टोर मतलब अपडेट हो चुका है, मैजिक क्यूब स्टोर एक्सचेंज अपडेट तो हो रहा है गाइज। तो हो सकता है यार फ्यूचर में भी अपडेट हो जाए, साथ साथ अपडेट होता रहे तो और बंडल्स भी इसमें ऐड होते जाएँ। तो यार आपके पास जो मतलब मैजिक क्यूब है उसको आप संभाल के रखना। मेरे पास तो मतलब मैजिक क्यूब एक पड़ा हुआ है, तो उसके अलावा कुछ फ्रेगमेंट्स भी पड़े हुए हैं, तो ये है कि मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है नेक्स्ट बंडल्स के लिए। तो गाइज ये तो हो गया मतलब मैजिक क्यूब स्टोर का या उसके रिलेटेड इवेंट्स का। तो अब चलते हैं यार फ्री फायर की जो अपकमिंग अपडेट आने वाली है फ्री फायर मैक्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में गाइज बताता चलूँ कि फ्री फायर के ग्राफिक्स जो हैं बहुत ही अच्छे भी होने वाले हैं गाइज अपकमिंग अपडेट में। फ्री फायर मैक्स आने वाली है उसमें बहुत ही बढ़िया इसके ग्राफिक कर दिए इन्होंने गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि ये मतलब लॉबी है इसकी यार, न्यू लॉबी फ्री फायर मैक्स की। इसका एक छोटा सा मतलब लीक निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हो यार इसके ग्राफिक बहुत ही बढ़िया कर दिए हैं इन्होंने यार 3D ग्राफिक। और फ्री फायर मैक्स में मतलब आपके जो है यार बहुत सारे नए फीचर ऐड होने वाले हैं, तो जो कि यार मतलब आपकी किसी किसी फ़ोन पे चलेगा। ये नहीं होगा यार हर एक फ़ोन पे चलेगा, ये किसी किसी फ़ोन पे चलेगा। तो यार अब इसमें फ्री फायर मैक्स की बात करते हैं आगे मज़ीद। तो यहाँ पे आप यार देख सकते हो कि जो मतलब गाड़ी है, मतलब पहले तो होता था यार कि आप गाड़ी खाली चला सकते थे, लेकिन गाड़ी में बैठ के आप फायर भी कर सकोगे। यहाँ पे आप ट्रेलर भी देख सकते हैं, इसका छोटा सा एक लीक निकला है जहाँ पे। तो यहाँ पे गाड़ी पर बैठ के जो है ये मतलब फायर कर रहे हैं। तो फ्री फायर मैक्स में जो है अपकमिंग जो अपडेट आ रही है उसमें हो सकता है यार कि इस तरह से मतलब ये फीचर अपडेट कर दें। प्रीवियसली यहाँ पे मतलब पबजी में हुआ करता था यार कि प्लेयर बैठ के गाड़ी में भी फायर कर सकते थे यार, बाइक पे दो बंदे बैठ सकते थे। तो बाइक पे दो बंदों वाली अपडेट तो आ चुकी है गाइस। तो अभी फ्री फायर में मतलब जो है ये गाड़ी वाली अपडेट भी आ सकती है यार कि आप गाड़ी पे बैठ के भी जो है एम कर सको, फायर कर सको। तो बहुत ही मतलब बढ़िया इन्होंने काम कर दिया यार गाइज। मुझे तो ये अपडेट बहुत ही बढ़िया लगी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यार गाइज अब चलते हैं अपनी ये जो आज की अपडेट आ रही है उसकी तरफ बात करते हैं। तो यार जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आज की अपडेट के बारे में और यार इसमें जो आने वाले सारे फीचर्स हैं, तो एक बार फिर बता देता हूँ यार कि उसमें मतलब जो है आपको कोई पैच नहीं आ रहा, ना ही कोई अपडेट आ रही है, मज़ीद फीचर्स नहीं ऐड हो रहे हैं, जस्ट आपकी बग फिक्सिंग हो रही है। और साथ ही साथ जो है सर्वर में तादाद बढ़ा रहे हैं यूज़र्स की, ताकि जो है आप स्मूथ गेम प्ले कर सकें। बहुत सारे लोग थे यार उनकी गेम लैग करती थी यार, पिंग बहुत हाई रहती थी, तो अब जो है उनका ये मसला हल हो जाएगा। तो यार एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जो मतलब पाकिस्तान के लोग थे यार कह रहे थे कि पाकिस्तान का अलग सर्वर बनने वाला, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्वर नहीं बनने वाला पाकिस्तान का, और ना ही अभी उन्होंने कोई इस तरह से नोटिफाई किया है। जस्ट वो तादाद आपकी बढ़ा रहे हैं, तो जो पिंग का इशू था आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा, आपका मतलब सिंगापुर रीजन ही रहेगा। और इंडिया रीजन वाले यार वो भी सेम मतलब उनका होगा कि यार उनका मतलब उनकी भी तादाद ही बढ़ा रहे हैं, सब जगह पे मतलब यूज़र ज़्यादा हो गए थे लॉकडाउन की वजह से। तो इस वजह से जो है मतलब अब जो है यूज़र्स की तादाद ही सिर्फ बढ़ाई जा रही है सर्वर में, किसी का सर्वर वगैरह कोई चेंज नहीं किया जा रहा, ना ही कोई पैच आ रहा है। तो यार बस मतलब जो है फ़ायदा एक चीज़ ये हुआ कि यार आपकी जो गेम लैग होगी वो ख़त्म हो जाएगी इससे जो है, या कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, पिंग का आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा गाइस अगर यार हम देखें तो मतलब जो है हमारे दोस्त काफ़ी कहते थे यार कि हैकर्स के साथ गेम खेलने पे आईडी बैन हो जाती है, यानी तो यार हैकर्स के साथ आप ज़्यादा खेलोगे तो तब आपकी आईडी बैन होगी, अदरवाइज़ आपकी आईडी नहीं बैन होती। एक आधा कोई हो जाए रैंडम गेम प्ले में आ जाए तो उसका इतना मसला नहीं होता यार, लेकिन अगर आप उसके साथ मिल के खेलते हो, बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हो या उसी के साथ ही गेम्स खेलते हो तो बेनिफिट लेने के लिए, तो इससे आपकी जो आईडी बैन हो सकती है।
तो गाइज ये थी आज तक की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और जाने से पहले गाइज एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मिलेंगे आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।